देश को कुछ चंद परिवार चला रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इन तस्वीरों को देखिए गौर से। रोज कमाने खाने वाला छोटा व्यापारी जब धंधे को थोड़ा बढ़ाना चाहता है तो आज भी किसी तरह अपनी और अपने घर वालों की हसरतों को मारकर 1500 का फोन खरीदने का सोचता है, शायद जियो का ही। पर रिलायंस की मालकिन नीता अंबानी 315 करोड़ रुपए का हीरे मोती से जड़ा फोन यूज करती हैं। जब एक मजदूर दिन भर मेहनत करते हुए देश का माल ढुलाता है तो 5 रुपए की चाय और एक छोटे पार्ले जी से संतुष्ट हो जाता है। तब नीता अंबानी 1 लाख रुपए की चाय पीती हैं। दोस्तों, अजीब विडंबना है, देश आजादी के बाद कुछ कमा नहीं पाया ये सत्य नहीं। आज विभिन्न इकोनॉमिक गुरु देश को दुनिया में सबसे बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, पर ये तब देख रहे हैं जब उन्हें पता चला, जबकि देश आजादी के वक्त से ही एक बड़ा बाजार था आबादी की वजह से। बस उस वक्त बाहर वालों ने आके मुहर नहीं लगाई थी तो देश ने खूब कमाया, ताबड़तोड़ कमाया, पर सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए, चुनिंदा नामी फैमिलीज के लिए। अब सोच कर देखिए, वॉरेन बफे, अमेजन सीईओ, वर्जिन वाले रिचर्ड ब्रैनसन, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, इन लोगों को भी इनके देशों ने खूब धन कमा कर दिया, पर इन्होंने अपने देश में जो नौकरियां विकसित की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उससे पूरे अमेरिका का शेयर मार्केट उफान मारने लगा था। सोचिए हमारे अमीरों ने क्या किया। 315 करोड़ रुपए का मोबाइल, 40 लाख का हैंडबैग और लाख रुपए की चाय। चलो माना अमीरी आने पे लोग अपनी हसरतें पूरी करना चाहते हैं, शौक से कीजिए साहब, पर जो धंधा आप करते हैं, जो इंडस्ट्री आप चलाते हैं, उससे देश को धन हानि ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। किसी गरीब के हिस्से का मुंह करने वाला ना कुर्बान हो जाए आपके ऐशोआराम में, किसी किसान को फांसी ना लगानी पड़े फसल खराब होने पे, नहीं तो क्या खाएंगे आपके गेस्ट अरबों रुपए के आपके घर एंटीला में। जब किसान नामक जीव ही देश से लुप्त हो जाएगा, क्या आप अमीर लोग जो सक्षम हैं, जिनसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री तक आदर पूर्वक झुक जाते हैं, क्या आपका काम सिर्फ पसंद की पार्टी फंड में पैसे जमा कराना है ताकि अगली बार चुनाव जीत जमाएं तो इनके सरकारी बिल पहले पास कराएं, वह सरकारी बिल जिससे देश का धन इनकी लाख रुपए की चाय में जाए, और मेहनत कर टैक्स पटाने वाले देश का शिक्षक जब बेटी का ब्याह करने जाए तो बैंक के सामने कतार लगानी पड़े। शर्म आनी चाहिए देश के अमीरों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे करो ना अपना धंधा, पर ऐसे करो कि देश के गरीब को भी रोजी रोटी मिल जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश के सारे अमीर मिलकर खेती की उन्नत तकनीक विदेशों से लाएं, जिनसे इजराइल जैसे देश ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया, और कॉरपोरेट तरीके से किसानों में इन्वेस्ट करें? किसान भी थोड़ा कमा लेंगे यार, तो तुम्हारा क्या जाएगा? ये सौदे, डील और सरकारी बिल क्यों नहीं छोड़ देते? क्या कमी है आप लोगों के पास? अमीरों, देश का भी सोचो, सिर्फ अपना नहीं, मात्र आप लोगों की वजह से ये देश आर्थिक गुलामी सह रहा है और चंद हजार करोड़ की सब्सिडी के लिए ट्रंप जैसों के सामने झुक रहा है। हाथ जोड़कर विनती है, देश का सोचिए। सोचिए अगर देश की 25% आबादी भी कमाने के लिए सक्षम हो जाए तो क्या होगा? आप लोगों की कंपनियां MNC घोषित हो जाएगी साहब। देश के युवा में जबरदस्त दम है, आप एक बार देश के युवा को कस्टमर की जगह अपना देशवासी समझ कर तो देखिए।